कई लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे SSPs और DCs, डिविजनल कमिश्नर, ADG, DIG, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें। और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने ज़िले में जो भी इस तरह का अभियान है, DC और SSP मिल करके पहले सूची बनावें, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूँ ओवरऑल, मैं भी रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा, और श्रीनगर कश्मीर के तो लोग नहीं हैं लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, ADG हैं और DC जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने ज़िले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर ज़िले की जानकारी कि कहाँ कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी ज़मीन ITC से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी ज़मीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।